हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई पोयम जिसका नाम है जर्नी ऑफ द मैजाई, जिसको लिखा है T.S. एलियट ने। तो ये पोयम हमें एक जर्नी बताती है तीन मैजाई की। मैजाई एक तरह के प्रीस्ट होते हैं। ये बेथलेहम तक गए जीसस क्राइस्ट का बर्थ को विटनेस करने के लिए। अ कोल्ड कमिंग वी हैड ऑफ इट, जस्ट द वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर For a journey and such a long journey, the ways deep and the weather sharp, the very dead of winter. इन लाइन्स का मतलब ये है कि जब इन तीन मैजाई ने अपनी जर्नी करी थी, तब जो मंथ था वो दिसंबर का चल रहा था और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, और ये मंथ बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था किसी भी ट्रैवल के लिए। And the camels galled, sore-footed, refractory, lying down in the melting snow. यहाँ पर ना कि सिर्फ उन तीन मैजाई की बात करी जा रही है, बल्कि उनके जो कैमल्स थे जो मैजाई के साथ बेथलेहम तक जा रहे थे उनको कैरी करके, उनकी भी कंडीशन बता रहे हैं पोएट यहाँ पर, कि वो भी बहुत ही ज़्यादा पेन में थे, डिस्ट्रेस में थे, कि उन्होंने मूव करना बंद कर दिया था और वो भी बैठ गए थे उस मेल्टिंग स्नो में। देयर वर टाइम्स वी रिग्रेटेड द समर पैलेसेस ऑन स्लोप्स, द टेरेसेस and the silken girls bringing sherbet, then the camel men cursing and grumbling and running away and wanting their liquor and women. यहाँ पर जो मैजाई हैं, और यहाँ तक कि ना कि सिर्फ मैजाई की बात कर रहे हैं बल्कि जो कैमल के ड्राइवर्स हैं, जो लोग कैमल्स को चला रहे थे, उनकी बात भी करी जा रही है। जो मैजाई हैं अब वो मिस करने लग जाते हैं अपने पैलेसेस को, वहाँ के कन्वीनियंस को। यहाँ तक कि जो कैमल के ड्राइवर्स हैं वो भी इधर उधर भाग गए हैं किसी चीज़ को सर्च करने के लिए, जैसे कि लिकर। एंड द नाइट फायर्स गोइंग आउट एंड द लैक ऑफ शेल्टर्स एंड द सिटीज हॉस्टाइल एंड द टाउन्स अनफ्रेंडली एंड द विलेजेस डर्टी एंड चार्जिंग हाई प्राइसेस, अ हार्ड टाइम वी हैड ऑफ इट, एट द एंड वी प्रेफर्ड टू ट्रैवल ऑल नाइट, स्लीपिंग इन स्नैचेस with the voices singing in our ears saying that this was all folly. इन लाइन्स में ये बताया गया है कि वो इतनी ख़तरनाक जर्नी पे गए थे और इतने ज़्यादा चिली वेदर में गए थे कि उनको लगा कि उन्हें कहीं शेल्टर लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने देखा कि जो प्लेसेस हैं वो बहुत अनक्लीन हैं, जो टाउन्स हैं वो इतने फ्रेंडली नहीं हैं ट्रैवलर्स के लिए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो पूरी रात ट्रैवल करेंगे और अगर बीच बीच में हो सके तो रेस्ट कर लेंगे, और ऐसे पॉइंट में उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे जो कि उन्हें ये बोल रहे थे कि उनकी ये जर्नी जो है ये एक मिस्टेक है। देन एट डॉन वी केम डाउन टू अ टेम्परेट वैली, वेट बिलो द स्नो लाइन, स्मेलिंग ऑफ वेजिटेशन with a running stream and a water mill beating the darkness and three trees on the low sky and an old white horse galloped away in the meadow. Then we came to a tavern with vine leaves over the lintel, six hands at an open door dicing for pieces of silver and feet kicking the empty wine skins. But there was no information and so we continued and arrived at evening, not a moment too soon. तो जब मैजाई अपनी ये जर्नी कर रहे थे, अचानक से वो एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वैली में पहुँचे जो कि फ्लोरा से घिरी हुई थी, और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल हॉर्स भी देखा। उसके बाद वो एक ऐसी जगह पर गए जहाँ पर कुछ लोग मनी के लिए बैग कर रहे थे, मनी मांग रहे थे लोगों से। वहाँ पर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करने की सोची, पर उनको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो कि उनके यूज़ की हो, और ऐसे करते करते फाइनली वो बेथलेहम पहुँच गए। फाइंडिंग द प्लेस इट वॉज सेटिस्फैक्ट्री, ऑल दिस वॉज अ लॉन्ग टाइम गो आई रिमेंबर एंड आई वुड डू इट अगेन, बट सेट डाउन दिस वर वी लेट ऑल दैट वे फॉर birth or death. There was a birth certainly, we had evidence and no doubt I had seen birth and death, but had thought they were different. This birth was
hard and bitter agony for us, like death, our death. We returned to our palaces, these kingdoms, but no longer at ease here, in the old dispensation, with an alien people clutching their god. I should be glad of another death. इन लाइन्स में जो मजाई हैं वो बोलते हैं कि वो जर्नी जो थी वो डिफ़िकल्ट ज़रूर थी, पर वो इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री थी कि अगर उन्हें फिर से मौका मिले तो वो जर्नी वो दोबारा ज़रूर करेंगे। यहाँ पर बर्थ और डेथ का मीनिंग भी पैराडॉक्सिकल है। जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है, जब वो हुआ था तो डेथ हो गई थी ओल्ड रिलीजन्स की, ओल्ड बिलीव्स की, और जब उनका डेथ हुआ था तो एक नया रिलीजन सामने आया था जिसका नाम था क्रिश्चियनिटी। तो आई होप आपको ये पोयम अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मैंने बहुत सारे वीडियोस इंग्लिश ऑनर्स पे ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। सो डोंट फॉरगेट to subscribe the channel and like the video.